क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म ओपेनहाइमर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। फिल्म में किलियन मर्फी और फ्लोरेंस प्यू का एक सेक्स सीन है। ये नोलन के करियर की पहली फिल्म है जिसमें ऐसा कोई सीन है, इसलिए अमेरिकी सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को आर सर्टिफिकेट दिया है। इस सेक्स सीन के दौरान ओपेनहाइमर का किरदार भगवद गीता के कुछ श्लोक पढ़ता है, जिसे लेकर भारतीय जनता आहत हो गई है। कहा जा रहा है कि ये चीज़ हिंदू और सनातन धर्म का अपमान करती है। इस फिल्म को इंडिया में बॉयकॉट करना चाहिए। कुछ लोग भारतीय सेंसर बोर्ड पर भी सवाल उठा रहे हैं। ओपेनहाइमर में एक सेक्स सीन है। सीन के दौरान ओपेनहाइमर की प्रेमिका जीन टेटलॉक की नज़र ओपेनहाइमर के बुक शेल्फ पर पड़ती है। उन्हें दिखता है कि वहाँ दुनिया भर की साइंस की किताबों के बीच एक अलग सी किताब रखी है। वो उसे उठाकर लाती हैं और ओपेनहाइमर से पूछती हैं कि ये क्या है। ओपेनहाइमर उसे संस्कृत भाषा की किताब बताते हैं, भगवद गीता का नाम नहीं लेते। जीन उन्हें सेक्स के दौरान उस किताब की कुछ लाइनें पढ़ने को कहती हैं। इसी सीन को लेकर हंगामा हुआ कि सेक्स सीन के दौरान गीता का पाठ गलत है, हिंदुओं की धार्मिक भावना को आहत करने वाला है। सोशल मीडिया पर इस सीन के विरोध में काफी कुछ लिखा जा रहा है। कुछ नमूने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि इस सीन का मकसद ओपेनहाइमर और जीन के संबंध की गहराई को दिखाना था। दोनों ने एक दूसरे की विचारधारा को किस तरह से प्रभावित किया। जीन पक्की कम्युनिस्ट थी। उनका साथ पाने के बाद ओपेनहाइमर की दिलचस्पी भी उस विचारधारा में बढ़ी। इसी वजह से जीवन में आगे उन पर सोवियत संघ का जासूस होने के भी आरोप लगे। इस सीन की एक्यूरेसी पर सवाल उठ रहे हैं। क्या वाकई ओपेनहाइमर ने अपने जीवन में किसी मौके पर सेक्स के दौरान गीता पढ़ी थी, या ये सीन नोलन की रचनात्मक आज़ादी की उपज है। हालांकि ये इकलौता मौका नहीं है जब ओपेनहाइमर में भगवद गीता का जिक्र आता है। ओपेनहाइमर ने अपना बनाया हुआ न्यूक्लियर बम टेस्ट करने के बाद गीता की एक लाइन कही थी, Now I am become death, destroyer of worlds. यानी मैं काल बन गया हूँ, संसारों का नाश करने वाला। रॉबर्ट ओपेनहाइमर कई भाषाओं के जानकार थे, मगर बताया जाता है कि फिलोसॉफिकल तौर पर वो गीता से खास जुड़ाव महसूस करते थे। पब्लिक ओपेनहाइमर के इस सीन की नाराजगी भारतीय सेंसर बोर्ड पर निकाल रही है। CBFC ने ओपेनहाइमर में सिर्फ दो बदलाव किए थे। फिल्म में कुछ जगहों पर स्मोकिंग डिस्क्लेमर जोड़े गए थे। एक सीन में जो शब्द आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे म्यूट किया गया था। ऐसे में लोगों का कहना है कि सेंसर बोर्ड ने सेक्स के दौरान गीता पढ़े जाने वाले सीन को जस का तस क्यों छोड़ दिया। उसे फिल्म से हटाना चाहिए था या उसमें कुछ बदलाव करवाने चाहिए थे। ओपेनहाइमर दुनिया का पहला एटम बम बनाने वाले फिजिसिस्ट रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर की बायोपिक है। इस फिल्म में पीकी ब्लाइंडर्स फेम किलियन मर्फी ने उनका रोल किया है। इस फिल्म को क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी श्वेतांक ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।